अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फैसल सईद। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेफिनेशन एंड रूल ऑफ आर्गुमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक में उन्होंने वर्ड रोल लिखा हुआ है, ये रोल नहीं है, ये रूल है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। यानी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट्स, हम अपने आर्गुमेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कौन से रूल्स की ज़रूरत होती है, वो हम डिस्कस करना है आज। तो हम आर्गुमेंट्स की डिफाइन को देखते हैं। आम अल्फाज में हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं जो भी आपकी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी बात होती है, उस बात का वजन मलूम करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो रीज़न देते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। जैसे कि हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। वाई, क्यों ये बैड है हेल्थ के लिए? बिकॉज इट कैन इफ़ेक्ट्स यूअर लंग्स बैडली। तो ये क्या है, ये एक आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट किस क्लेम को या किस कन्फ्यूज़न को सपोर्ट कर रहा है, इस क्लेम को या इस कन्फ्यूज़न को सपोर्ट कर रहा है कि स्मोकिंग क्या है, बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यानी जो हमने आर्गुमेंट दिया है स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, वाई इट कैन इफेक्ट्स यूअर लंग्स बैडली, ये एक आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट्स किस क्लेम या किस कन्फ्यूज़न को सपोर्ट कर रहा है, या इस क्लेम या फिर इस कन्फ्यूज़न को सपोर्ट कर रहा है किस को, कि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो हम देखते हैं, इन एवरीडे यूजेज द वर्ड आर्गुमेंट इज़ यूज टू रेफर टू अ डिस्प्यूट आर डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पीपल। इन द टेक्निकल लैंग्वेज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट मेक अ क्लेम ऑफर सपोर्ट फॉर द क्लेम एंड सीक्स एक्सेप्टेंस फॉर द क्लेम। एन आर्गुमेंट कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर प्रीमिसेस दैट आर यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ए कंक्लूजन। प्रीमिसेस आर द रीजन दैट आर प्रेजेंटेड टू कन्विंस समवन दैट अ कंक्लूजन इज ट्रू आर प्रोबेबली ट्रू। असम्पशंस आर प्रीमिसेस फॉर विच नो प्रूफ और एविडेंस इज ऑफर्ड, दीज आर ऑफन लेफ्ट अनस्टेट। यानी यहाँ पे बताया गया है कि एवरीडे यूजेज में जो वर्ड जो आर्गुमेंट है, ये दो लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्प्यूट को रेफ़र करता है। यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी बात होती है, उस बात का वजन मलूम करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो रीज़न देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। यानी दो लोगों के दरमियान जब कन्फ्यूज़न होगी, यानी डिसएग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट या फिर कन्फ्यूज़न हम कहते हैं, या फिर डिस्प्यूट होगा, तलख कलामी होगी, तो फिर ये कन्फ्यूज़न ही है, तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे को कन्वेंस करने के लिए क्या देंगे, रीज़न देंगे। तो फिर उस रीज़न को हम क्या कहते, उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जो टेक्निकल लैंग्वेज में हम आर्गुमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो किसी भी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं, किसी भी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए या फिर उस क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट दी जाती हैं उसको हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंट्स कहेंगे। तो जो आर्गुमेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रीमिसेस पर कंसिस्ट होती हैं, जो वो प्रीमिसेस क्या कहती हैं, किसी भी कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। यानी प्रीमिसेस रीज़न ही होती हैं, वो रीज़न क्या होती हैं, कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीमिसेस आर द रीज़न दैट आर प्रेजेंटेड टू कन्विंस समवन दैट अ कंक्लूजन इज़ ट्रू आर प्रोबेबली ट्रू। यानी जो प्रीमिसेस हैं ये क्या होती हैं, ये रीज़न होती हैं जो किसी को कन्विंस करने के लिए देती हैं कि कोई भी जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, प्रीमिसेस में और जो अजम्पशन होती हैं इसमें फ़र्क होता है। जो प्रीमिसेस होती हैं उसमें क्या होती है, कोई भी जब रीज़न दी जाती है तो उसकी एविडेंस भी साथ दी जाती है, लेकिन जो अजम्पशन होती है उसमें जो रीज़न होती है उसका कोई प्रूफ वगैरह या फिर एविडेंस नहीं दी जाती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज दैट यू आर डॉक्टर टेल यू दैट यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर यूर हेल्थ। ये उसी तरह की एग्जाम्पल है जिस तरह की मैंने पहले दी है। तो ये क्या है, एक आर्गुमेंट है। मतलब क्या है, जिस तरह ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज दैट यूर डॉक्टर टेल यू दैट यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर यूर हेल्थ। ये क्या है, एक आर्गुमेंट है। तो इस सिंपल आर्गुमेंट में कंक्लूजन क्या है, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये क्या है,
कंक्लूजन है। तो अब इस कंक्लूजन जो है, इस कंक्लूजन की प्रीमिसेस भी होंगी, मतलब इसकी कोई ना कोई रीज़न भी होगी क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हार्ट, क्योंकि एक्सरसाइज होती है वो हार्ट के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। मतलब यहाँ पे एक कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन की जो प्रीमाइज है या फिर जो उसकी रीज़न है वो क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज जो हार्ट के लिए क्या होती है वो अच्छी होती है, ठीक होती है। अब इसमें एक अनस्टेटेड अजम्पशन है, वो मतलब यानी एक ऐसी बात है जो नहीं कही गई लेकिन उसका मतलब वही निकल रहा है, वो अंडरस्टूड है, वो ये है कि एवरीवन वांट्स अ हेल्थी हर्ट, यानी हर कोई ये चाहता है कि उसका जो हर्ट हो वो क्या हो, हेल्थी हो, क्योंकि हम सबको हेल्थी हर्ट चाहिए, इसलिए हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज क्या है, इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयरफॉर वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ये एक पूरा आर्गुमेंट बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उनको हम देते हैं कि उनके बारे में आर्गुमेंट्स क्या कहती हैं, आर्गुमेंट्स क्या होगी उनके बारे में देखते हैं। डज द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्नोग्राफी इनक्रीज द प्रीवेलेंस ऑफ सेक्स क्राइम, इज़ देयर अ बायोलॉजिकल बेसिस फॉर होमोसेक्सुअलिटी, आर जेंडर डिफरेंस इन मैटिंग प्रीफेरेंस अ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रियलिटीज़। तो ये हैं कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। तो जो वेल मीनिंग पीपल होंगे, मतलब जो समझदार होंगे, वो इन आर्गुमेंट्स, इन इश्यूज़ पर जो आर्ग्यू करते हैं, मतलब आर्गुमेंट देते हैं, कई वीक्स तक इन पर आर्गुमेंट्स देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन इश्यूज़ पर जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो बेमैनी होते हैं, उन आर्गुमेंट्स का कोई मतलब अनप्रोडक्टिव होते हैं, वो किसी भी एक रिज़ल्ट की तरफ हमें नहीं ले जा सकते। क्यों किसी जो वो इन पर जो आर्गुमेंट किसी एक रिज़ल्ट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जो पीपल होते हैं वो जो आर्गुमेंटेशन के लिए जो रूल होते हैं उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो इसलिए चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ताकि वो आर्गुमेंट्स को ऐसा बनाए, हम ऐसे आर्गुमेंट के सोचें जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी चीज़ों को एनालाइज करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ा दें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ आर्गुमेंट एनालिसिस प्रीमिसेस आर सेट टू बी सपोर्ट आर नॉट सपोर्ट कंक्लूजन, आर कंक्लूजन मे बी सपोर्टेड बाई वन रीज़न आर बाई मैनी रीज़न। तो आर्गुमेंट एनालिसिस की लैंग्वेज में हम जो प्रीमिस होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये कंक्लूजन को सपोर्ट कर होती हैं, और वो जो कंक्लूजन जो सपोर्ट कर होती हैं वो एक रीज़न से भी सपोर्ट कर होती हैं या फिर एक से ज़्यादा रीज़न भी होती हैं सपोर्ट करने की। तो एक वे है हम किस तरह इसको समझ सकते हैं, उसके लिए जहाँ पे एक बुक में एक टेबल दिखाया गया है उस टेबल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं जो प्रीमिसेस हैं वो कंक्लूजन कैसे सपोर्ट कर रही हैं और कैसे सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है जो टेबल की टॉप है उसको कंक्लूजन कहा हुआ है और जो नीचे जो उसकी जो लेग्स हैं उसको सपोर्ट कहा हुआ है। तो उसने कहा है अ टेबल टॉप यानी जो कंक्लूजन है वो क्या है, कुड बी सपोर्ट बाई वन स्ट्रॉन्ग लेग, यानी जो टेबल की जो टॉप है उसको सपोर्ट वो किसके सहारे पे है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेग के सहारे पे है, यानी उसके जो सपोर्ट कर रही है वो जो खड़ी है उसकी टॉप वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि उसकी जो लेग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। या फिर अगर उसकी टॉप जो है वो खड़ी है, जो मतलब जो कंक्लूजन है जो टेबल टॉप है वो क्या है, खड़ी है किसकी बेस पे, या मैनी थिन लेग्स की बेस पे, या मैनी थिन लेग्स हम कहेंगे तो उसकी मतलब जो रीज़न है जो टेबल के टॉप की उसके लिए लॉट्स ऑफ वीक रीज़न होंगी, मतलब बहुत सी कमज़ोर रीज़न होंगी उसकी टेबल की टॉप की। ऑफ कोर्स द रीज़न प्रोवाइडेड फॉर ए कंक्लूजन मे फेल टू सपोर्ट द कंक्लूजन, उसने कहा है कि जो हो सकता है कि जो रीज़न हम दे रहे हैं उस कंक्लूजन के लिए वो सपोर्ट वो फेल भी हो सकती हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं भी कर सकती।
तो हम अपने दोबारा उसी एनालॉजी की तरफ दोबारा वापसी आते हैं और हम देखते हैं कि वो फेयर कैसे होंगी, उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने में फेयर कैसे होंगी। उसने कहा द टेबल टॉप माइट नॉट बी सपोर्टेड, जो हो सकता है कि टेबल का जो टॉप है वो क्या हो, सपोर्ट ना करता हो, मतलब माइट नॉट बी सपोर्टेड, क्यों, बिकॉज द लेग्स आर टू थिन, क्योंकि जो लेग्स हैं वो क्या हैं, टू थिन हैं, मतलब वेरी वीक रीजन हैं, आर बिकॉज द लेग्स आर नॉट अटैच, या फिर ये भी होता है कि लेग्स क्या हों वो अटैच ही ना हों, तो मतलब जो इररेलीवेंट को रीज़न हो। तो इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कुछ रूल्स के बारे में आर्गुमेंट्स के।